दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जुलाई 2019 की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आवेदन शुल्क आपको इन भर्तियों के लिए जमा करना होगा, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं जुलाई 2019 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 6 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। एयरफोर्स के अंतर्गत ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की बम्पर वैकेंसीज निकली है। सैलरी 26,900 और 33,100 पर मंथ के लिए अलग अलग ग्रुप के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12th और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। आयु की वही बात की जाए तो 21 वर्ष है, यानी कि 19 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच में जन्म होना चाहिए। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹250 आवेदन शुल्क है। शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर एक्सिस बैंक की चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो careerinindianairforce.cdec.in। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये पोर्टल 1 जुलाई 2019 को एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। लास्ट डेट की वही बात की तो 15 जुलाई 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम हेल्ड होगा 21 से 24 सितंबर 2019 को। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में। ट्रेड अप्रेंटिस के 5,500 खाली पद है। सैलरी 7,655 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं या 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आईटीआई कोर्स भी इसमें मांगा गया है। 16-18 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 23 जुलाई से की जाएगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू डायरेक्ट मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो SECL.gov.in। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जुलाई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती निकली है इंडिया पोस्ट ऑफिस में। ग्रामीण डाक सेवक GDS के 1735 खाली पद है। सैलरी 10,000 रुपये पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कम से कम 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 6 जून 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ओसी ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 अप्लाई शुल्क है। ऑल फीमेल और SST के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क आप हेड पोस्ट ऑफिस से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो apost.in/gds-online। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए 12 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में। BRO के अंतर्गत ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक और मल्टी स्किल्ड वर्कर के 778 खाली पद है। सैलरी ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन और व्हीकल मैकेनिक के लिए 19,900 से 44,400 है। मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 18,000 से 39,900 है। 10वीं 12वीं और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो 18 से 27 और 18 से 25 वर्ष है। खाद की महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी या EWS के लिए ₹50 आवेदन शुल्क है। SCST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो BRO.gov.in। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए 16 जुलाई 2019 तक आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है विजग स्टील और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बम्पर वैकेंसी से 20,600 से 40,500 सैलरी है। ग्रेजुएट और MBA अप्लाई कर सकते हैं। 27 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। ₹500 जनरल OBC के लिए शुल्क है। बाकी कैटेगरी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा UGC NET 2019 स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो vizagsteel.com। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए भी 20 जुलाई 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे।
आप 9 अगस्त 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6th लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी इंडिया पोस्टल सर्कल के अंतर्गत निकली है। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज निकली है, 19,900 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कम से कम 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। इंडिया पोस्ट .gov.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट की वहीं बात की जाए तो 17 जुलाई 2019 है। तो दोस्तों ये थी जुलाई 2019 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए भी इंपॉर्टेंट लिंक्स यहीं पर दिए गए, आप सिंपली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।